आपको बताएं कि यहाँ एक बड़ी खबर आ रही है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से ईरानी सफीर ने मुलाकात की है, जिसमें इलाकाई सलामती और सिक्योरिटी मामलों पर तबादला ख्याल किया गया है। इस मुलाकात के बारे में आपको मजीद भी बताएंगे। यहाँ आपको बता रहे हैं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से ईरानी सफीर ने मुलाकात की है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से ईरानी सफीर ने मुलाकात की है। इस मुलाकात में इलाकाई सलामती और सिक्योरिटी मामलों पर तबादला ख्याल किया गया है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ वन जिशान शमसी से। जिशान बताइएगा, मजीद किन उमूर पर बातचीत की गई है? जी बिल्कुल, तर्जमान पाक फौज के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से पाकिस्तान में तैनात ईरानी सफीर मेहदी हुनर दोस्त ने मुलाकात की है। इस मुलाकात में मजमूई तौर पर खिते की सिक्योरिटी सूरत हाल और बिलखसूस दोनों ममालिक के माबैन दिफाई तआवुन के हवाले से जो मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत की गई है। इस मौके पर आर्मी चीफ का कहना था कि दहशतगर्दी दोनों ममालिक का मुश्तरका मसला है और इसके खिलाफ मुश्तरका कोशिशों को जारी रखा जाएगा। जनरल बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान ईरान के साथ अपने ताल्लुकात को इंतहाई कदर की निगाह से देखता है और दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी एहतराम और एतमाद का रिश्ता जो है वो कायम है। जी, इलाकाई सलामती और सिक्योरिटी मामलों पर तबादला ख्याल किया गया। अपडेट करते थे जिशान शमसी, बहुत शुक्रिया आपका।